दोस्तों, राजस्थान के अजमेर जिले के त्रिलोकपुर गांव में जब इच्छाधारी नागिन का गुस्सा कहर बनकर टूट पड़ा और फिर जो हुआ उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल यह घटना 11 वर्ष पुरानी है, जहां एक दिन त्रिलोकपुर गांव में एक सपेरा अपना खेल दिखाने आया था। उस सपेरे के साथ तीन सांप भी थे। वो सपेरा उन तीन सांपों को नचाकर पैसे कमाता था। एक दिन जब वो सपेरा अपना खेल दिखा रहा था, तभी सभी लोग उसका खेल देखने के लिए आए थे। नाच नाच कर एक नाग की मौत हो गई थी। सपेरे को यह मालूम नहीं था कि यह नाग कोई साधारण नाग नहीं, बल्कि इच्छाधारी नाग है। सपेरा यह सब कुछ भूलकर अपना खेल दिखाने लगता है। तभी नाग की खोज में नागिन उस सपेरे के पास अपना मरा हुआ नाग देखती है। नागिन बहुत गुस्से में आ गई। नागिन बहुत ही गुस्से में आकर गांव वालों को बारी बारी डसने लगी और गांव वाले नागिन से डर कर भाग गए। गांव वालों ने जब थोड़ी देर बाद नागिन का गुस्सा शांत देखा तो उसे दूध पिलाया और नागिन से माफी भी मांगी। नागिन ने बदला भुला कर गांव के चौराहे पर ही अपनी जान दे दी और गांव वालों ने विधि विधान पूर्वक नाग नागिन का जोड़े का अंतिम संस्कार किया और गांव वालों ने सपेरे को भी मार दिया। यहीं पर इस सच्ची घटना का अंत हो गया। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।